तो हम लोग आ गए हैं हमारी कॉटेज की तरफ और अब मैंने बाहर से व्यू नहीं रिकॉर्ड किया है तो हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आपको व्यू दिखेगा टुमारो। तो गुलफशा जो है वो किसी भी होटल का सुबह का फ्री ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ती है और अब भी मैडम जो है वो पहुंच गई है ब्रेकफास्ट करने तो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि वो इतनी डोरबेल बजा के गई है ना कि मुझे मजबूरी में उठना ही पड़ा। रेडी मैम स्टार्ट दौड़ के। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं और शाजमा खाना कैसे हजम करते हैं। एक दूसरे को टक्कर मार के हमने खाना हजम करा है यहाँ अजमेर में। सोच रहा है वजू कर लें और कसर में है तो नमाज पढ़ लें जल्दी से फिर निकलना भी। अब यहाँ से जोधपुर जा रहा है ना अजमेर से पुष्कर में है वैसे तो मगर उसके बाद अजमेर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे क्या नाम है जोधपुर। हमें अजमेर में एक अच्छी जगह नहीं मिल रही थी खाने को फिर हमें याद आया हम रात लेक साइड पे आए थे तो वहाँ हमने बहुत मज़े का देखा था कि काफ़ी सारी जगह है तो अब हम यहाँ आए खाना खाने। अब पुष्कर और अजमेर के बाद हम आ गए हैं अपनी मंजिल जोधपुर मगर हम यहाँ सिर्फ आज रात के लिए रुक रहे हैं। असल जोधपुर में जहाँ हमें रुकना है वहाँ हम जाएंगे कल। और हम गिरते पड़ते पहुंच गए हैं अब मैं भूल भी गया हम कहाँ पहुँच गए। सही था हम कहाँ पहुँच गए मैं ठीक है कौन सी जगह है हम ना जोधपुर में आ रहे हैं और अंदर बैठ के ना टेस्ट मैं तो बाहर निकली मेरे को मैं कहानी ना और फोन से निकली मैंने कहा बराबर वो फोन निकल रही मैं सोच की गाय जिस को सब मैं वुड लाइक टू हैव समथिंग बिस्किट और समथिंग एवरीथिंग हियर इज चार्जेबल मिस्टर यू आल्सो डोंट हैव एनीथिंग। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे राजस्थान की सबसे फेमस डिश दाल बाटी चूरमा खाना है और मुझे फाइनली वो मिल गई। क्या है ये डिश मैं मरी जा रही हूँ जब से राजस्थान आए खाने के लिए। इतने ज़्यादा दोस्तों टैलेंटेड ये सिंगर्स इन्होंने हमारे बच्चों के नाम लेके उनके लिए इतना अच्छा सा गाना गाया मतलब दिल खुश हो गया। पहले राजस्थान की दाल बाटी चूरमा और अब वहाँ की ऑथेंटिक सिंगिंग। ने बहुत गाना सुन लिया और बहुत खाना पीना कर लिया। अब नमाज पढ़ने का वक्त है तो उनकी खाला उनको ईशा की नमाज पढ़वा रही हैं क्योंकि अगर इन्हें कल घूमने जाना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। बस दुआ करा दो मुझे सुधार दे आमीन या अल्लाह मैं अच्छा मुसलमान बच्चा बना आमीन या अल्लाह मेरी खाला अम्मा पतली हो जाए आमीन।